यह कैबिन क्रू प्रैक्टिकल कोर्स का थर्ड चैप्टर है। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो हम आपकी एयर होस्टेस की, कैबिन क्रू की नौकरी भी लगवा कर देंगे। ये कोर्स जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आप लाखों रुपए देकर भी ये नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आप इसको प्रॉपरली करें। आज के चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट समझेंगे, हम टाइप्स ऑफ सीट्स समझेंगे, इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ डोर्स समझेंगे, और उसके अलावा हम समझेंगे कि एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स के नाम एक कैबिन क्रू को मालूम होने चाहिए हैं, और लास्ट में हम समझेंगे कि कैबिन क्रू स्टेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका सिंगल आयल नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। सिंगल आयल नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के अंदर 150 लोग आराम से बैठ सकते होते हैं। ये छोटा एयरक्राफ्ट होता है और बीच में सिर्फ एक ही रास्ता होता है लोगों के आने जाने के लिए, दोनों तरफ सीट्स होती हैं। फिर आ जाता है ट्विन आयल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है और इसके अंदर काफ़ी सीट्स आ जाती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ट्विन आयल मल्टीपल डेक। मल्टीपल डेक का मतलब ये है कि इसके डेक भी मल्टीपल होंगे, जैसे आप लोगों ने डबल डेकर बसेस देखी हैं, उसी ढंग से ये एयरक्राफ्ट में भी डबल डेक्स होते हैं या मल्टीपल डेक होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, काफ़ी बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, और इनके अंदर ट्रैवल करने का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस होता है। पर इनके अंदर डिसएडवांटेज भी होती है, जैसे कि इनको बोर्डिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ऑफ बोर्डिंग के अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सीट लास्ट में है तो आपको इसमें से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीट्स की, ठीक है, कि कितने प्रकार की सीट्स होती हैं। तो ये ज़्यादातर आप लोगों को मालूम होंगी, पर फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी क्लास। तो सब लोग जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इकोनॉमी क्लास की सीट्स होती हैं, और सबसे सस्ती सीट जो होती है वो इकोनॉमी क्लास की ही होती है, और सबसे अनकंफर्टेबल सीट भी इकोनॉमी क्लास की होती है। इसके बाद आ जाती है प्रीमियम इकोनॉमी। प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सीट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इकोनॉमी सीट में थोड़ा कम स्पेस होगा, प्रीमियम इकोनॉमी में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा। प्रीमियम इकोनॉमी में आपको फेयर भी ज़्यादा पे करना होता है। इसके अलावा प्रीमियम इकोनॉमी में थोड़ा सा आप लगेज ज़्यादा ले जा सकते हैं, और आपको खाना भी थोड़ा बेटर मिलता है, और ये आगे की रोज़ होती हैं। इसमें जो आपको बैठने के लिए मिलेगा वो आगे को मिलेगा। तो इसका क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सीट आखिर में होती है तो आपको बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हर एक कोई चाहता है कि उसको फर्स्ट फ्यू रोज़ के अंदर ही सीट मिल जाए। फिर हम बात कर रहे हैं बिजनेस क्लास। ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है और मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट क्लास यही होती है। फर्स्ट क्लास से ज़्यादा अच्छी मैं ये मानता हूँ बिजनेस क्लास, क्योंकि बिजनेस क्लास सस्ती भी होती है, महंगी नहीं होती है, ये वैल्यू फॉर मनी होती है, और हर एयरक्राफ्ट बिजनेस क्लास से ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है और लोग खरीदते भी हैं आराम से। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट क्लास में। देखिए, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के अंदर यही डिफरेंस होता है कि बिजनेस क्लास बिल्कुल फ्लैट बेड में कन्वर्ट नहीं होगी, बिल्कुल बेड में नहीं कन्वर्ट होगी। जो फर्स्ट क्लास होगी वो बिल्कुल बेड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट क्लास की सीट होती है वो 100% प्राइवेसी के साथ आप उसको क्लोज कर सकते हो, कोई आपको देख भी नहीं पाएगा अंदर आपने कुछ कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। पर बिजनेस क्लास के अंदर आपको 100% प्राइवेसी नहीं मिलती है, 60% 70% प्राइवेसी मिलती है। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का बेनिफिट ये भी है कि इन दोनों के अंदर जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी ट्रैवल डेट चेंज कर सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। फर्स्ट क्लास के अंदर आप जितना लगेज लेकर जाना चाहें उतना लगेज लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर कैबिन क्रू, अगर आप कैबिन क्रू हैं तो आप जो उनको खाना खिलाएंगे वो भी आप उनसे पूछकर खिलाएंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। उनको नाइट सूट भी आप देंगे, नाइट सूट की फैसिलिटी दी जाती है, और कई बार कटलरी जो होती है वो सिल्वर वेयर होती है, मतलब चांदी के बर्तनों के अंदर खाना खिलाया जाता है। तो जो अच्छे कैबिन क्रू होते हैं, जिन्हों को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जो सीनियर हो चुके होते हैं, उन्हीं को ही फर्स्ट क्लास में रखा जाता है।
फिर इसी ढंग से बिजनेस क्लास में अगर आप फर्स्ट क्लास के कैबिन क्रू हैं तो ऑब्वियसली आपको काम भी कम करना पड़ेगा, आपकी जान पहचान ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल पाएंगे जो कि आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि पायलट कहाँ पर बैठता है। देखिए पायलट कॉकपिट के अंदर बैठते हैं और कॉकपिट जो होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, अगर कोई बाहर से उस पर गोलियां चलाएगा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉकपिट को पायलट अंदर से लॉक करके रखते हैं। इसको खोलने के लिए कैबिन क्रू को, अगर आप कैबिन क्रू हैं तो आप कंप्यूटर की हेल्प से जो कि आपके एयरक्राफ्ट के अंदर ही लगा हुआ है, आप उसकी हेल्प से पहले उनसे एक्सेस मांगेंगे और फिर पायलट जब खोलेगा तब आप अंदर जाएंगे। तो आपको कॉकपिट में क्यों जाना है? आपको कॉकपिट में इसलिए जाना होता है कि आपने पायलट्स वगैरह को भी खाना देना है, उनको और भी कोई रिक्वायरमेंट है, ड्रिंक्स चाहिए हैं, तो ये सारा कुछ भी कैबिन क्रू का ही काम होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिन क्रू सोते कहाँ पर हैं। जी हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर ही प्रॉपरली कैबिन क्रू के सोने की जगह बनी हुई होती है, ठीक है, पूरा बेड बना हुआ होता है। हाँ ठीक है, आपके घर के जितना कंफर्टेबल नहीं होगा, पर कैबिन क्रू फ्लाइट के अंदर सोते हैं। जो लंबी फ्लाइट्स हैं, मान लीजिए 20 घंटे की फ्लाइट है, 24 घंटे की फ्लाइट है, तो कोई भी कैबिन क्रू 8 घंटे 10 घंटे ज़्यादा तो काम नहीं कर सकता, तो उनको 6 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 3 घंटे, 2 घंटे डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट उनको रेस्ट करने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी फ्लाइट्स के अंदर कैबिन क्रू भी ज़्यादा होते हैं। इसी ढंग से पायलट्स को भी सोने के लिए टाइम मिलता है, जो लंबी फ्लाइट होंगी उनको भी टाइम मिलेगा कि वो सो जाएं। और ये ज़रूरी है, अगर आप किसी को रेस्ट नहीं करने देंगे, आप कैबिन क्रू हैं, अगर आपको रेस्ट करने को नहीं मिलता है तो आप सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डोर्स। देखिए एक एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स होते हैं और कैबिन क्रू को हर डोर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हीं डोर्स की हेल्प से ही हम बाहर निकल सकते होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल साइज डोर, इनको टाइप ए डोर कहा जाता है। तो एक कैबिन क्रू को मालूम होना चाहिए कि फुल साइज डोर को क्या कहा जाता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इनको टाइप ए डोर कहा जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं स्मॉलर टाइप, तो स्मॉलर टाइप डोर जो हैं उनको टाइप सी कहा जाता है, ठीक है, स्मॉल साइज डोर्स को टाइप सी डोर्स कहा जाता है। इन डोर्स के ऊपर विंडो लगी होती है ताकि बाहर देखा जा सके। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी डोर्स की। इमरजेंसी डोर्स जो होते हैं उनों के नीचे एक एस्केप डिवाइस भी लगी होती है। एस्केप डिवाइस वैसे हर डोर के नीचे लगी होती है। एस्केप डिवाइस जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, इससे आप स्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। इमरजेंसी डोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इमरजेंसी डोर्स के साथ जो सीट्स होती हैं उन पैसेंजर्स को ब्रीफिंग करनी होती है। कैबिन क्रू का ये काम होता है कि जो पैसेंजर इमरजेंसी डोर्स के पास बैठे हैं वो फ्लाइट उड़ने से पहले कैबिन क्रू उनकी ब्रीफिंग करे कि इमरजेंसी के केस में उन डोर्स को कैसे खोला जा सकता है। इमरजेंसी डोर्स बड़े इजीली खोले जा सकते होते हैं, कैबिन क्रू लड़कियां भी हैं तो इतने भारी भारी डोर वो नहीं खोल सकती हैं, पर इमरजेंसी डोर के अंदर सिर्फ 2-3 बटन होते हैं जिनको दबाकर आप उन्हें खोल सकते होते हैं, और उनके खुलते ही एस्केप डिवाइस भी खुल जाती है ताकि लोग गिरे ना, स्लाइड करके सीधा बाहर आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट की। इनों के नाम हैं, आप जानते हैं इनों को, आपने अगर फ्लाई किया है तो ये नाम आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी एक कैबिन क्रू को इनके नाम मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक फ्लाइट के अंदर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे को बताना है कि किस पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, तो वो इन नामों के हिसाब से ही आगे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बल्क हेड की। देखिए बल्क हेड क्या होता है, बल्क हेड बड़ी फ्लाइट जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने मल्टीपल डेक फ्लाइट्स की बात की है, जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं, जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं उनों के अंदर बल्क हेड होता है। ये परमानेंट डिवाइडर्स हैं। बल्क हेड का मतलब है जो परमानेंटली कैबिन्स को डिवाइड करते हैं या एयरक्राफ्ट को डिवाइड करते हैं। इनों को आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कैबिन डिवाइडर भी हैं। जो कैबिन डिवाइडर्स हैं वो पार्शल डिवाइडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बल्क हेड परमानेंट 100% डिवाइडर हैं, जो कैबिन डिवाइडर्स हैं वो पार्शल डिवाइडर हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्टन्स हैं, जहाँ पर डिवाइडर नहीं लग सकते वहाँ पर कर्टन्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि छोटी फ्लाइट्स के अंदर
इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में आपको कर्टन्स मिल जाएंगे, उनको आप हटा देते हैं तो आपका डिवीजन जो है वो खुल जाता है, नहीं तो कर्टन्स की हेल्प से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं डॉग हाउस। डॉग हाउस को डॉग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका डॉग से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो आपकी सीट है, जो पैसेंजर की सीट है, उसके नीचे जो स्पेस होता है उसको हम डॉग हाउस कहते हैं या उसको हम डॉग बॉक्स कहते हैं। डॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क होता है और भी जो चीज़ें इमरजेंसी के टाइम पर ज़रूरत पड़ती हैं वो सब कुछ डॉग बॉक्स के अंदर रखी जाती हैं। और कैबिन क्रू को मालूम होता है कि उन्हें कैसे निकालना है, अगर उनको लगता है कि कोई इमरजेंसी आने वाली है तो वो पैसेंजर्स को बताते हैं कि आप इनको कैसे निकाल कर इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट, क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट का मतलब स्लीपिंग कंपार्टमेंट नहीं है। देखिए, चाहे 3 घंटे की फ्लाइट हो चाहे 2 घंटे की फ्लाइट हो तो भी एक स्पेस होता है जो क्रू के रेस्ट के लिए होता है, तो उसको हम क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट कहते हैं। हो सकता है सिर्फ वो कर्टन्स की हेल्प से डिवाइड करके बनाया गया हो, हो सकता है कि वो प्रॉपर कैबिन बनाया गया हो जिसके अंदर कैबिन क्रू जब वो काम नहीं कर रहे हैं तब जाकर बैठ सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। तो कैबिन क्रू काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं जब वो फ्लाइट के अंदर होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं पैसेंजर सर्विस यूनिट। ये कैबिन क्रू को ही देखनी होती है, कैबिन क्रू का काम होता है इसको हैंडल करना। तो पैसेंजर सर्विस यूनिट क्या होती है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि पैसेंजर सर्विस यूनिट क्या होती है। पैसेंजर सर्विस यूनिट एक डिवाइस है जिसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल हैं। ये कंट्रोल किस चीज़ के हैं, जैसे कि इसकी हेल्प से कैबिन क्रू पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट की लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जब स्लीपिंग टाइम होता है तो सिर्फ फ्लोर की लाइट्स ऑन की जाती हैं, रीडिंग लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैबिन क्रू को कॉल की जाती है, देखिए हर पैसेंजर की सीट के ऊपर एक बटन होता है, जब वो उसको दबाते हैं तो कैबिन क्रू अपने कंपार्टमेंट से पैसेंजर सर्विस यूनिट की हेल्प से देख सकता है कि कौन सी सीट से कॉल आई है, तो वो इसकी हेल्प से उस पैसेंजर के पास चले जाते हैं। इसके अलावा वेंटिलेशन आउटलेट्स होते हैं। जी हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके अंदर बाहर से भी हवा आती है और अंदर की हवा को बाहर भेजा जाता है, तो इसी के अंदर ही वेंटिलेशन आउटलेट्स भी होते हैं और ये भी कैबिन क्रू को कंट्रोल करने होते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी ऑक्सीजन, देखिए जब इमरजेंसी होती है और ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है एयरक्राफ्ट के अंदर तो ऑटोमेटिकली हर एक किसी के ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं, तो ये भी कैबिन क्रू कंट्रोल करता है और इसको वो पैसेंजर सर्विस यूनिट की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैबिन क्रू स्टेशन की, ठीक है। कैबिन क्रू स्टेशन जहां पर कैबिन क्रू रहता है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो कैबिन क्रू स्टेशन के अंदर क्या क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जंप सीट्स। जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है तब काफ़ी अनस्टेबल होता है, तब कोई खड़ा नहीं रह सकता है, अलाउड नहीं होता है, रिस्की भी होता है, तो उस वक्त कैबिन क्रू को अपनी जंप सीट के ऊपर बैठना होता है और वहां पर फुल बॉडी हार्नेस भी होता है, अपनी पूरी बॉडी को वो उससे बांध लेते हैं और उस सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये कैबिन क्रू स्टेशन का पार्ट है। इसके अलावा इंट्राफोन, जैसे कि हमने समझा कि एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो हर एयरक्राफ्ट पर जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है और हर जोन के अंदर इंट्राफोन है। तो मान लीजिए कि आप कैबिन क्रू हैं और आपकी कोई फ्रेंड वो भी कैबिन क्रू है, वो दूसरे जोन में है, तो उससे बात करने के लिए आप इंट्राफोन यूज करते हैं, तो ये कैबिन क्रू स्टेशन का पार्ट है। इसके अलावा कंट्रोल पैनल्स हैं। ये कंट्रोल पैनल्स क्या काम करते हैं, कंट्रोल पैनल्स से आप काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट का टेम्परेचर। अगर लोगों को गर्मी लग रही है तो आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप कैबिन क्रू स्टेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा एरिया कॉल पैनल होते हैं। एयरक्राफ्ट को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जोन में डिवाइड किया जाता है, तो किस एरिया के अंदर आपको कॉल करना है वो भी आप कैबिन क्रू स्टेशन से कर सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट के अंदर मल्टीपल कैबिन क्रू स्टेशन भी हो सकते हैं और होते हैं। जो आपका एरिया कॉल पैनल है उसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स लगी होती हैं, डिफरेंट कलर की लाइट्स लगी होती हैं, उनकी हेल्प से इनको समझ में आ जाता है कि किस एरिया से कॉल आ रही है या किस एरिया के अंदर हमारे को क्या काम करना है।
इसके अलावा जो आपका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है उसको भी ये लोग अपने कैबिन क्रू स्टेशन से कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप कैबिन क्रू बनेंगे तो आपको ये सारा काम करना होगा और ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं और आप प्रैक्टिकली सीख पा रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली जब आपकी नौकरी लगेगी आपको एयरलाइन वाले सिखाएंगे। इसको सीखने का और कोई तरीका नहीं है। उससे पहले अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वीडियोस देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। हर वीडियो को आप 10 बारी 20 बारी सुनिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं आप इसे कंप्लीट कीजिए। अभी ऐसे 10-15 और चैप्टर आएंगे और जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन सब की हम नौकरी लगवाने वाले हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप जितने ज़्यादा लोगों को बताना चाहें आप उनको बता सकते हैं। अगर आपकी वजह से और लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट होंगे। जी हाँ, अगर आपकी वजह से फ्री कोर्स है, हम बिल्कुल ये लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप ये शेयर करते हैं और आपकी वजह से आप बताते हैं कि आपकी वजह से 5 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसके आपको काफ़ी एडिशनल बेनिफिट होंगे। जैसे कि आपको और एडिशनल कोर्सेज करवाए जा सकते हैं, आपकी इंडिया से बाहर नौकरी लगवाई जा सकती है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग लर्न करते रहिए, ये वीडियोस देखते रहिए, और हमारी गारंटी है कि ये ट्रेनिंग आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे। अगर ये फ्री मिल रही है तो आप इसको ग्रांटेड ना लें, आप ये ना समझें कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। जब आपकी नौकरियाँ लगेंगी और हम आपकी वीडियोज़ डालेंगे कि देखिए ये बच्चे ने फ्री में कोर्स किया और आज ये एयर इंडिया में जॉब कर रहे हैं या ब्रिटिश एयरवेज में जॉब कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी फ़ख्र महसूस होगा। कीप लर्निंग। दिस इज़ मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।